नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएलआई 222 की बुकलेट नंबर 2 का यूनिट नंबर 5, जिसका टाइटल है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मैंने टाइटल को थोड़ा एक्सटेंड किया है क्योंकि हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। यूनिट नंबर 5 है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग उसमें पढ़ने हैं। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, क्या नीड है लाइब्रेरी कैटलॉग्स की, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या क्या होते हैं और क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं किसी भी कैटलॉग की, उसके बारे में देखेंगे। फिर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज को और लाइब्रेरी के कैटलॉगिंग को मिलाकर पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं ये। फिर लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और अदर रिकॉर्ड्स के बारे में देखेंगे, जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग को इंडेक्स के साथ, सेल्फ लिस्ट के साथ और एसेशन रजिस्टर के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो लाइब्रेरी कैटलॉग के साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं इसमें। कंपेरिजन करेंगे इन सब डिफरेंट के साथ, लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफिक एंड पब्लिशर कैटलॉग, इनके बीच में डिफरेंस करेंगे और इनका एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। देन लास्ट में कैटलॉगिंग एंड द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक कैटलॉगिंग की डेफिनेशन से। बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने तरह से समझाने की कोशिश की है कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग क्या होती है और ये किस तरह से यूज़फुल होता है हमारे लाइब्रेरी साइंस में। आइए डेफिनेशंस देखते हैं। द वर्ड कैटलॉग हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज कैटलॉग्स, इट मीन्स लिस्ट, रजिस्टर और कंप्लीट इनुमरेटिव ऑफ थिंग्स। देखिए, जो ये वर्ड आया है कैटलॉग, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, किस लैंग्वेज से आया है, ग्रीक फ्रेज से, ग्रीक भाषा है, भाषा के वहाँ से एक फ्रेज था जिसको कैटलॉग के, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है के, कैटलॉग से मिला है, जिसका मतलब होता है अ रजिस्टर कंप्लीट इन्यूमरेटिंग ऑफ थिंग्स, किसी के बारे में कुछ वर्णन बताना, उसका इन्यूमरेशन करना, उसके बारे में उसकी विशेषताएँ बताना। काटा मीन्स बाई एन एकोमोडेटिंग टू वेयर एज लॉग्स मीन्स द वर्ड ऑर्डर और रीजन। हैंस कैटलॉग बीन एक्सप्लेन एज द वर्क इन विच कंटेंट आर अरेंज्ड इन द रीजनेबल वे और इन अ पर्टिकुलर वर्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू सेट अ प्लान। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पे इसके ओरिजिन, कैटलॉग वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, किस ग्रीक फ्रेज से आया था और उनमें जो क्या क्या मतलब होते हैं उनके बारे में हम लोग को यहाँ पे समझाया गया है। डेफिनेशंस अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द लाइब्रेरी कैटलॉग कैन बी डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है लाइब्रेरी कैटलॉग को, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी और ग्रुप ऑफ अ लाइब्रेरीज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ सिस्टमैटिक और लॉजिकल ऑर्डर, प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद अ लोकेशन मार्क फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन एंड क्विक एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये कीवर्ड्स हैं, ईजी आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज़ को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाना और क्विक एक्सेस, उसको बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेना। ऑब्वियसली बात है, हम किसको आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी में, हमारे रिसोर्सेज को, बुक्स को, पीरियडिकल्स को, न्यूज़पेपर्स को, मैगजीन्स को या अदर कोई डॉक्यूमेंट, और उनका क्विक एक्सेस हमें मिल जाए, वो चीज़ें हमें जल्दी से मिल जाए। तो क्या कहती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे हैं उनकी एक बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल क्या है, किस ऑथर ने लिखा है, कितने पेज हैं, कहाँ रखी गई है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, कब पब्लिश हुई थी, वो सारी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो कैटलॉग इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें और उसको क्विक एक्सेस कर लें। चलिए, दो वर्ड मिले हैं, क्विक आइडेंटिफाई एंड क्विक एक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू CA कटर, ये हमारे फाइनली लाइब्रेरी साइंस में एक थिंकर हैं, क्या कहते हैं ये इनके बारे में, अ लाइब्रेरी कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या है, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज अरेंज्ड इन अ सम डेफिनेट प्लेन, एक डिफाइंड प्लान के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है, क्या, किसको, डॉक्यूमेंट्स को, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैटलॉग। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ बिब्लियोग्राफी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन सम लाइब्रेरीज और कलेक्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से अलग एक अलग तरीके की बुक होती है, एक अलग तरह का रिकॉर्ड होता है जो लाइब्रेरी में रखा जाता है, जिसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
कैसे डॉक्यूमेंट्स जो हमारी लाइब्रेरी में रखे हैं और उनको अरेंज किया गया है डेफिनेट प्लेन के अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू सी ए कटर। अभी हम लोग सबकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि एक्चुअल में कैटलॉग होता क्या है। हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICCP, देखते हैं फुल फॉर्म, टर्मिनोलॉजी ग्रुप एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में एक सब लोग बैठे थे, सब लोग जितने भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे थे, और उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की एक्चुअल में कैटलॉग होता क्या है, कैटलॉग है क्या, उसके बारे में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जो हुई थी पेरिस में 1961 में, और वहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई तो क्या है, डिफाइन एज ए कैटलॉग एज कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट्स और सिमिलर मटीरियल्स। कितनी छोटी सी और कितनी सही डेफिनेशन है कि ये क्या है, एक लिस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, बहुत सारे डाटा दिए, बहुत सारे बुक्स हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जिसमें छोटे छोटे कॉलम्स बने रहते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसमें क्या रहेगा, लिस्ट ऑफ कलेक्शंस और कलेक्शंस ऑफ बुक्स, कलेक्शंस ऑफ बुक्स जो हमारे पास बुक्स कलेक्टेड हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और या फिर सिमिलर मटेरियल्स, ठीक है, उसी तरह का कुछ सिमिलर मटेरियल उनकी इन्फॉर्मेशन। चलिए ये थी डेफिनेशन ICCP जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं रंगनाथन सर ने क्या कहा था कैटलॉग के बारे में, अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी और कलेक्शन फॉर्मिंग अ पोर्शन ऑफ इट, इट इज़ अ मेथोडोलॉजी अरेंज्ड रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेज। मेथोडोलॉजी है क्या करने की, अरेंज्ड रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स, हमारे पास जो बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं या स्टडी मटेरियल्स हैं उनके, उनको रिकॉर्ड करने की, कौन सी बुक है, कौन उसका ऑथर है, कितने पेज की है, कब पब्लिश हुई थी, एडिशन कौन सा है, कहाँ पे रखी गई है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको मिल सकती है कैटलॉग में। तो देखिए अभी हमने इतनी सारी डेफिनेशंस देखे, इतने सारे लोगों के थॉट्स देखे कि क्या होता है, अगर हम लोग कुछ एक दो वर्ड्स में कहना चाहें तो कैटलॉग क्या है, एक तरह का ऐसा रिकॉर्ड जहाँ पे हमारे जो सोर्स होते हैं जिसमें हम लोग बुक्स या डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे ही मटेरियल को इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, आपने ये वुडन बॉक्स जैसा लाइब्रेरी में तो आई गेस ज़रूर देखा होगा, ये ऐसे बॉक्स होता है, ट्रे रहती है, ठीक है, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे से कार्ड्स रखे रहते हैं, ये एक्चुअल में यही है कैटलॉग कार्ड। मैं पहले आपको कैटलॉग कार्ड दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आपके पास एक कैटलॉग कार्ड का एग्जांपल है, ये कैटलॉग कार्ड होता है, बीच में एक आपको होल मिलेगा, ये होल इसलिए है क्योंकि एक जो ये ट्रे है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटी सी निडल टाइप की होती है वो पूरी अंदर तक रहती है, और उसी में हम लोग ये कैटलॉग कार्ड फंसाते हैं, जो आप ये पिन देख रहे हैं उसी में ये पूरी कैटलॉग कार्ड रहती है, और इसमें देखिए ये जो चीज़ें लिखी गई हैं वो क्या है, किसी एक बुक का बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में कौन राइटर है, अगर कोई को ऑथर है मतलब उसका कोई और, किसी और ने ये लिखी है उसके बारे में दिया गई, कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, क्या इसके कोई और पब्लिश कहाँ हुई थी, इसका रीडर कौन है, इसके अगर किसी ने और कुछ इसमें एडिशन किया होगा तो वो कौन लिखा है, कितने पेज नंबर हैं, देखिए यहाँ पे पेज 114P लिखा हुआ है, पेज नंबर को डिनोट करता है, इसका कुछ अदर डायमेंशंस, कितनी मोटी है, कितनी वाइड विड्थ है, ये भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं, बट ये कल चीज़ें कंपलसरी नहीं है, पब्लिश कब हुई थी, किस ईयर में पब्लिश हुई थी, कौन सा एडिशन है, क्या प्राइस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कैटलॉग कार्ड में मिल जाती है। चलिए एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, सपोज़ करिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, इमेजिन करिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, एक स्क्वायर लाइब्रेरी है, मान लेते हैं स्क्वायर लाइब्रेरी, बड़ी सी लाइब्रेरी है, और चारों तरफ उसके शेल्फ रखी गई हैं अरेंज, बीच में जो हमारे रीडर्स होते हैं उनके लिए एक जगह रखी गई है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं और आप लाइब्रेरियन से पूछते हैं सर मुझे इस टाइटल की बुक चाहिए, और आपका लाइब्रेरियन कहता है सर मैंने तो शायद ये बुक अपनी लाइब्रेरी में देखी नहीं, बट एक बार आप चेक कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप सभी एक एक शेल्फ में जाके आप देखना शुरू करेंगे, कि या फिर आपके पास एक ऐसा कोई रिकॉर्ड मिल जाए, एक ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जैसे ये कैटलॉग कार्ड है, वहाँ पे जाकर आप जितने भी हमारे लाइब्रेरी के बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लिस्टिंग देख लें
कि ये चीज़ें कहाँ पे रखी गई और खुद देखने का तरीका क्या है। आप देखिए, आप ये जो वुडन बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक वाइट वाइट पट्टी आपको दिख रही होगी हर वुडन बॉक्स में। ये देखिए, जो ये रैक खुला हुआ है उसमें भी एक वाइट पट्टी है। अब इसी वाइट पट्टी में अल्फ़ाबेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग होती है। जैसे हम लोग डिक्शनरी में ए बी सी डी देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिल जाएगी और हर वुडन बॉक्स में कुछ नंबर लिखे होंगे। यहाँ पे 107 आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, 107 है और हर बॉक्स में एक नंबर होता है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं कि ये जो वुडन बॉक्स है इसके अंदर ए और बी जो टाइटल्स हैं, या तो ऑथर के होंगे या बुक टाइटल होंगे, जो भी हो सकते हैं, उसकी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की गई है। अब सपोज़ करिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको चाहिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई जो बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ढूंढने के लिए आप जब किसी लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे आपको ये कैटलॉग रैक मिलेगा, तो वहाँ पे जाकर आप डी नाम से, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया डी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डी टाइटल आप खोजने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे डी स्टार्ट होगा वहाँ से आपको वो बुक मिलना स्टार्ट होगा। और फिर आप एक एक चीज़ें देखेंगे, डी फिर डिस्कवरी, डी का पहला मिलेगा, फिर डिस्कवरी को आप नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे, फिर उसका नेक्स्ट देखेंगे। जैसे आप लोग डिक्शनरी में ढूंढते हैं वैसे आप ढूंढेंगे, जहाँ पे आपको वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक मिल जाएगी वो कार्ड उठाएंगे, उस कार्ड में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पे है, कितने पेजेस की है, कब लिखी गई थी, कौन सा एडिशन है इस बुक का, ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हैं। तो पूरी लाइब्रेरी आपको ना घूमनी पड़े और भी जो वहाँ पे रीडर्स हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो, आप एक एक कबर्ड खोलेंगे, आवाज़ होगी, वो निकालेंगे बुक, कुछ बुक्स गिरेंगी, तो इससे अच्छा है आप यहाँ पे जाकर, जहाँ पे कैटलॉगिंग सेक्शन है वहाँ पे जाकर आप वो बुक्स निकाल सकते हैं। ये फाइनली यूज़ होता है किसी भी लाइब्रेरी के कैटलॉग का। आगे देखेंगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लाइब्रेरी कार्ड था, आपने देख लिया। चलिए, नीड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, हम लोग नीड्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या ज़रूरत है हमें लाइब्रेरी कैटलॉग की। पहला, टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिस्क्राइब ऑल द आइटम एक्यूरेटली बोथ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर आइटम्स। ऑब्वियसली बात है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ताकि हमारे लाइब्रेरीज में जो भी, या जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैटलॉग कार्ड से मिलती हैं। टू प्रोवाइड द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी मटीरियल बुक पीरियोडिकल एक्सेट्रा इन द कलेक्शंस, एक्चुअल में उसकी लोकेशन क्या है वो आपको पता कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड बुक्स एंड अदर रीडिंग मटीरियल्स इन अ लाइब्रेरी, कोई भी बुक या अदर कोई रीडिंग मटेरियल अगर आपके पास है उसके बारे में, वो कहाँ है, कौन राइटर है, कौन इसका टाइटल है, क्या टाइटल है, कितने पेजेस की है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टू इंटरप्रेटेड रीडिंग मटेरियल्स टू द रीडर बाई मैंशनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बुक्स, दैट इज ऑथर, टाइटल, इम्प्रिंट, कलेक्शन सीरीज, बिब्लियोग्राफिक एंड सब्जेक्ट्स। किसी भी लाइब्रेरी में कौन कौन से ऑथर की बुक है, ऑथर कैटलॉग, कौन कौन से टाइटल्स की बुक है, टाइटल कैटलॉग, ठीक है, उनका सब्जेक्ट क्या है, उनका डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, उनकी कौन सी एडिशन है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको जितने भी रीडिंग मटेरियल्स हैं वहाँ से मिल जाती है। टू मेक द रीडिंग मटेरियल अवेलेबल क्विकली, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको चीज़ें आसानी से मिल जाए, एक एक कबर्ड आपको खोजना ना पड़े, लाइब्रेरियन को आप बार बार डिस्टर्ब करें, लाइब्रेरी स्टाफ और किसी काम में बिजी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। टू पुट ऑर्डर इन टू कलेक्शन सो दैट द वॉल्यूम मे बी लोकेटेड एंड यूज ऑफ द रेफरेंस फॉर द कंसल्ट, चीज़ों को वापस सही जगह पे रखने के लिए वो कैटलॉग कार्ड भी हमारे लिए इस्तेमाल होता है। ये थे हमारे नीड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर लाइब्रेरी कैटलॉग बनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। एनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक ऑफ विच, किसी भी पर्सन को उसकी वो बुक मिल जाए इसके लिए कैटलॉग कार्ड बनाते हैं। कैसी बुक मिल जाए, अगर वो कोई ऑथर की बुक ढूंढने आए तो वो मिल जाए, किसी टाइटल की बुक ढूंढने आए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टाइटल है ये, किसने लिखी है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सॉरी डॉक्टर नहीं, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है, ऑथर के नाम से आप खोजेंगे तो मिल जाएगी, टाइटल से खोजेंगे तो मिल जाएगी, या फिर कोई सब्जेक्ट अगर आपको पता हो उसके बारे में तो वहाँ से आप खोज सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, शो व्हाट आर द लाइब्रेरी हैज़, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता करना चाहिए, पता मिल जाता है। जैसे देखिए, ये आपकी लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी का कैटलॉग्स हैं, किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं वो जानने के लिए आप ये पूरा कैटलॉग बुक अगर आप देख लेंगे तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं और क्या क्या कलेक्शंस रखे गए हैं।
कौन कौन सी बुक है, बाई ऑथर नेम, बाई सब्जेक्ट और बाई द अदर काइंड ऑफ लिटरेचर, वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, असिस्ट इन द चॉइस ऑफ बुक्स, किसी को उसकी बुक तक उसको पहुँचाना है, ठीक है, मतलब वो कुछ ढूंढने आया था, उसको पता, उसको चाहिए था कि सर मुझे इस सब्जेक्ट पे कोई बुक मिल जाए, तो उस सब्जेक्ट के हमारे पास क्या क्या रीडिंग मटेरियल अवेलेबल हैं या उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। सो क्या ऑब्जेक्टिव था, पहला एनेबल अ पर्सन टू फाइंड अ बुक, कोई भी पर्सन आया है उसको उसकी बुक तक पहुंचा दिया जाए, लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं उसके बारे में उसको पता हो, और अगर कोई चीज़ किसी चॉइस स्पेसिफिक चॉइस को लेकर कोई रीडर आपकी लाइब्रेरी में आया है तो हम लोग उसको वहाँ पे पहुँचा सकें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस के, इनको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करके पढ़ सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। अभी हमने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव देखे थे, यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं उनको देखते हैं। पहला है, जब भी लाइब्रेरी कैटलॉग बनाया जाए या उसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा जाए तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जिनको ध्यान में रखकर या जिनके ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हम लोग उनसे कैटलॉग बनाते हैं या बना सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इज देयर अ बुक इन द लाइब्रेरी बाई सच एंड सच ऑथर, अगर लाइब्रेरी कैटलॉग हमने बनाया है तो कोई रीडर आके बोल सकता है या पूछ सकता है कि सर या मैम हमारे पास या आपके पास इस ऑथर की, इस टाइटल की कोई बुक है क्या, तो वो जो लाइब्रेरियन होगा वो अपने कैटलॉग रजिस्टर में या कैटलॉग में चेक कर सकता है कि नहीं सर, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स हम लोग के अरेंज होते हैं, तो वो चेक कर सकता है कि नहीं सर इस ऑथर की कोई बुक हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, उसके बारे में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। द लाइब्रेरी बाई हिज और हिम, ठीक है, जो लाइब्रेरी में वो चीज़ें हैं या अवेलेबल हैं उसके बारे में। इज देयर अ बुक इन द लाइब्रेरी विच सूट सच टाइटल, इस टाइटल से कोई बुक अवेलेबल है उसके बारे में बता सकते हैं। इज देयर अ बुक इन अ लाइब्रेरी बाय पर्टिकुलर एडिटर, ट्रांसलेटर, रिवीजर और कंपाइलर, इसके बारे में बता सकते हैं। इज देयर अ बुक ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर अ सब डिवीजन, अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। इज देयर अ बुक इन अ पब्लिशर सीरीज इन अ लाइब्रेरी, कोई पब्लिशर ने कोई सीरीज पब्लिश की गई है, जैसे एग्जांपल लेते हैं सीरीज़ के बारे में अगर आपको बताऊं तो एनसाइक्लोपीडिया की बहुत लंबी सीरीज़ आती हैं, तो वो सीरीज़ आपके पास अवेलेबल है कि नहीं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस शॉर्ट आउट हो सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग बनाया जाता है। मोर ओवर, रंगनाथन हैज एनालिसिस द ऑब्जेक्टिव इन द फाइट ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड स्टार्टेड दैट द कैटलॉग शुड बी डिजाइन टू एज सो। डॉक्टर रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी कैटलॉग को बनाने के जो पर्पस थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, उसको जोड़ दिया लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ से, या लॉ से देखते हैं। डिस्क्लोज टू एवरी रीडर हिज और हर बुक, हर रीडर को उसके बुक तक पहुंचाने का जो काम होता है वो कौन करता है, कैटलॉग। सिक्योर फॉर एवरी डॉक्यूमेंट इट्स रीडर, हर डॉक्यूमेंट को उसके रीडर तक पहुँचाया जाए, लाइब्रेरी साइंस का सेकेंड रूल। अभी हम लोग उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्स को उसके रीडर तक पहुंचाया जाए, इस काम को ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख के बनाया जाता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, रीडर का टाइम बचे, उसको पूरा लाइब्रेरी ना घूमना पड़े, वो एक जगह कैटलॉग देखकर बता सकता है या वो देख सकता है कि मेरे काम की जो मटेरियल है या सोर्स है वो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, एंड दैट सेव द टाइम ऑफ द स्टाफ, और स्टाफ का भी टाइम बचना चाहिए, यूज़र का भी टाइम बचना चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर हमारा जो लाइब्रेरी कार्ड है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी कार्ड, देखिए अभी तक हम लोग समझते ही आ रहे हैं, फंक्शंस ही पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या काम करता है लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग का एक्चुअल वर्क क्या है उसके बारे में समझते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इज टू लेट नो एंड इंक्वायर वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन इज द इन द कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी एंड इट इज सो वेदर इट कैन बी फाउंड, इट इज ऑल्सो रिवेल वॉट मटीरियल ऑफ द लाइब्रेरी हैज गोइंग सब्जेक्ट ऑथर एक्सेट्रा। कोई भी रीडर अगर आपकी लाइब्रेरी में आ रहा है तो उसको ये बात पता हो या चल जाए पता कि क्या ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो इस लाइब्रेरी में मुझे अवेलेबल होगी या नहीं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर एक लाइब्रेरी कार्ड को बनाया जाता है। और लाइब्रेरी कार्ड का यही फंक्शन है कि उस रीडर की इस क्यूरियोसिटी को खत्म किया जाए या उसको ये सॉल्व किया जाए। कैटलॉग इज अ टूल डिजाइनिंग टू एनेबल द इंक्वायर टू फाइंड अ पर्टिकुलर बुक ऑफ विच सम ऑफ ऑल द डिटेल्स आर नोन टू श्योर द एंटिटी स्टॉक ऑफ सेलेक्शन स्टॉक और सेक्शन
इट एंड टू सेलेक्ट द बुक्स विच इज द बेस्ट सर्व हिज और हर पर्पस। किसी भी इंक्वायर को जो एक पर्टिकुलर बुक चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, अगर वो आपको कुछ डिटेल बताए, वो रीडर आया उसने बोला कि सर मुझे इस टाइटल की बुक चाहिए, आपने खोज के दे दी। सर मुझे इस ऑथर की बुक चाहिए, आपने खोज के दे दी। सर मुझे टाइटल और ऑथर तो याद नहीं आ रहा, बट हाँ मेरे को ये श्योर है कि ये इस ईयर में पब्लिश हुई थी और इसका ये ईयर में ये एडिशन आया था। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सर वो बुक 2010 में पब्लिश हुई थी और जो 2010 में पब्लिश हुई थी उसका फिफ्थ एडिशन आया था, उस वो बुक मुझे चाहिए, बट हाँ मुझे टाइटल और ऑथर नहीं याद है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी खोज कर अपने लाइब्रेरियन को या सॉरी अपने यूज़र को वो बुक्स प्रोवाइड करा सकते हैं, या उसको बता सकते हैं कि हमारे पास 2010 की जो एडिशंस हैं, 2010 में जो बुक्स पब्लिश हुई थी उसका जो फिफ्थ एडिशन आप बता रहे हैं उसमें ये 10 बुक्स अवेलेबल हैं, अब आप बता दीजिए या देख लीजिए कि इन्हीं 10 में से आपकी वो बुक है या नहीं। अगर आपकी कोई बुक है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, या जो भी वो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पर्पस है या ये फंक्शन है लाइब्रेरी कैटलॉग का। द लाइब्रेरी कैटलॉग इज एक्सपेंडेड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे पहला, इज अ पर्टिकुलर बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, देखा था हमने। विच बुक इज बाय द पर्टिकुलर ऑथर आर अवेलेबल ऑफ द लाइब्रेरी। विच एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर बुक आर अवेलेबल ऑन द लाइब्रेरी। विच बुक बाय अ पर्टिकुलर ऑथर आर इन द लाइब्रेरी। Is there a book in library which such and such collaborators, जिसमें translator, editor, revisor, compiler आ सकते हैं। What are all the books in the library within these collaborators? तो देखिए, ये जितने भी questions आपके पास दिख रहे हैं 6, उन सभी questions को solve करने का या उनकी queries को सही करने का जो एक माध्यम है वो हमारा है catalog, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख, अब देखिए ना, बहुत आसान भाषा में समझिए कि कोई लाइब्रेरी में आया और उसको पता करना है कि ये बुक है नहीं, तो आप पूरी लाइब्रेरी का भ्रमण नहीं करेंगे, ठीक है, पूरी लाइब्रेरी का चक्कर नहीं लगाएंगे, एक एक अलमीरा खोल के नहीं देखेंगे। आप अपने सीधा कैटलॉग बॉक्स पे जाएंगे, वहाँ पे टाइटल के हिसाब से या आप अपने जो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की है वहाँ पे चेक करेंगे, अगर वो बुक अवेलेबल, वो कैटलॉग है उस नाम से, उस टाइटल से, उस ऑथर से, तो वो बुक हमारे लाइब्रेरी में मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। चीज़ें क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और फंक्शंस क्या हैं। टू प्रोवाइड एक्सेस बाय सब्जेक्ट टू ऑल रिलेवेंट मटेरियल्स, ये पहला फंक्शन। टू प्रोवाइड सब्जेक्ट एक्सेस टू मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड। टू ब्रिंग टुगेदर मटेरियल्स ऑफ सेम सब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्परिटीज इन टर्मिनोलॉजीज। मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट आ गया, सपोज करिए आपको फिजिक्स की कोई बुक चाहिए, लेकिन फिजिक्स में आपको टाइटल याद नहीं आ रहा, वो ऑथर याद नहीं आ रहा, या आपको नहीं पता है, तो आप कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज बताकर वो बुक वहाँ से ले सकते हैं। टू शो एफिलेशन अमंग सब्जेक्ट फील्ड्स, उस सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी और फील्ड्स हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या कौन कौन से और मटेरियल अवेलेबल हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। टू प्रोवाइड एंट्रीज टू मैनी सब्जेक्ट फील्ड्स फ्रॉम मोस्ट जर्नल टू मोस्ट स्पेसिफिक, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो बहुत जनरल सब्जेक्ट है, तो उस जनरल टॉपिक से लेकर स्पेसिफिक टॉपिक तक आपके पास आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। टू प्रोवाइड अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक यूनिट, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड देन लास्ट इज टू प्रोवाइड मीनिंग ऑफ द यूजर टू मेक सेलेक्शन फॉर अमंग आइटम्स इन मैनी पर्टिकुलर कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से, टाइटल से, ऑथर से, कोलैबोरेटर्स में, एडिटर्स में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन में, एडिशन में, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपको वहाँ पे बुक्स मिल जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं हमारे कैटलॉग के, कैटलॉग क्या काम करता है, कौन कौन सी चीज़ें सर्व करता है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, किसी भी लाइब्रेरी कैटलॉग की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी भी लाइब्रेरी कैटलॉग में हम लोग मिलते हैं। पहला है एक्यूरेसी, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लाइब्रेरी कैटलॉग बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है या लिखी गई है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन जो लाइब्रेरी कैटलॉग मिली है वो लास्ट लॉन्ग तक चले, मतलब आज लिखी गई थी, आज वो कैटलॉग है तो उसको सहेज कर रखना है, उसको लंबे समय तक उसको इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। नीड ऑफ द यूज़र, यूज़र की नीड को समझे, जो यूज़र है अगर वो टाइटल से सूटेबल है तो टाइटल के अकॉर्डिंग मिल जाए, पब्लिशर के अकॉर्डिंग सूटेबल है तो पब्लिशर के अकॉर्डिंग मिल जाए,
ऑथर के अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाता है तो वो ऑथर के अकॉर्डिंग मिल सके। मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग को कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़र की सभी नीड्स को एक साथ फुलफिल कर सके। अरेंजमेंट, कैटलॉग को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एकदम तितर बितर करके पूरा कैटलॉग बनाया हुआ है। अगर आप ऐसे करेंगे तो एकदम पूरा मैश है। मतलब अब ये समझ लीजिए कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना हुआ है यहाँ पे, कि आपने इतना सब कुछ एकदम अनऑर्गेनाइज रखा है और कोई लाइटर, कोई स्टूडेंट आया, कोई रीडर आया आपकी लाइब्रेरी में और उसने आपसे कोई डिमांड की। अब आप सारे रैक्स खोल के देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ रखा होगा, एक एक कार्ड आप चेक करना पड़ रहा है, तो ये आप नहीं कर सकते। और मल्टी प्रोविडेंट अप्रोच, मल्टी प्रोविडेंट मतलब कि हर तरह से ऑथर के नाम से भी बुक मिल जाए, टाइटल के नाम से भी मिल जाए, एडिशन के नाम से मिल जाए, किस ईयर पब्लिश हुई थी उसके भी इंफॉर्मेशन देने से मिल जाए। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए किसी भी लाइब्रेरी कैटलॉग की। ये इससे कुछ क्वालिटीज़ के बारे में था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड लाइब्रेरी कैटलॉग्स। लाइब्रेरी कैटलॉग्स को लाइब्रेरी साइंस से कैसे कनेक्ट किया जाए या कैसे कनेक्ट हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला लॉ आपको लाइब्रेरी साइंस का पता है, बुक्स आर फॉर यूज़। जो फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज़, उसको लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी कैटलॉग कैसे फुलफिल करता है। अगर कोई रीडर आया, उसको उसकी बुक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लाइब्रेरी कैटलॉग देखकर वो उसको वहाँ तक पहुँचा सकता है। अगर वो उसके पास पहुँचा ही ना पाए, कैटलॉग की हेल्प से वो लाइब्रेरी, वो जो स्टूडेंट था या जो वो सर्विस रिसीवर है, वो वहाँ तक ना पहुँच पाए, तो बुक्स का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने कहा है कि बुक्स यूज़ करने के लिए है, सजा कर रखने के लिए नहीं है, डिस्प्ले करने के लिए नहीं है, सिर्फ धूल झाड़ने के लिए नहीं है, उसका यूज़ होना चाहिए। और उस पर्पज़ को सॉल्व करता है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग। सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक। सभी रीडर्स की एक बुक होती है और उस रीडर को उसकी बुक तक पहुंचाने का जो काम है वो कौन करता है, हमारा कैटलॉग, उसकी हेल्प से। कैसे, हम लोग ने समझा। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर। जो बुक है उसका भी एक रीडर होता है और बुक को सही रीडर तक पहुंचाना, सही इन्फॉर्मेशन सही पर्सन तक पहुंचाना, इस काम को भी हमारा जो लाइब्रेरी कैटलॉग है वो बखूबी पूरा करता है। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। रीडर का टाइम सेव करना, ऑब्वियसली बात है, जब रीडर लाइब्रेरी में आता है और वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप कैटलॉग की हेल्प करके, कैटलॉग से हेल्प लेकर आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में उस रीडर को उसकी बुक तक पहुंचा सकते हैं। इससे उस रीडर का भी टाइम सेव हुआ और जो लाइब्रेरी स्टाफ था उसका भी समय सेव हुआ। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लाइब्रेरी एक बार बनने के बाद उसमें बहुत सारा पोटेंशियल होता है कि वो फर्दर भी आगे डेवलप करेगी। तो जो आपके लाइब्रेरी कैटलॉग होने चाहिए, जो वुडन बॉक्स आपका होना चाहिए, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए, या कुछ इस तरह से अपना लाइब्रेरी कैटलॉग बनाइए कि फ्यूचर में जब भी कोई नया बुक्स आए, नई इन्फॉर्मेशन मटेरियल्स आए, तो आप उनको भी उस वुडन बॉक्स में या वहाँ पर उसको शिफ्ट कर सके, अरेंज कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि जो लाइब्रेरी कैटलॉग है वो किस तरह से इक्विवेलेंट है या किस तरह से हेल्प करता है हमारे फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में। चलिए, ये टॉपिक हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास है लाइब्रेरी कैटलॉग और इंडेक्स। बहुत डार्क चीज़ें आपके आ रही होंगी, बट मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पिक आप देख रहे हैं या जो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं वो आपकी ही बुक से ली गई हैं, जिसमें हम लोग ने लाइब्रेरी कैटलॉग और इंडेक्स के बीच में कंपैरिजन करने का एक टेबल देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंपैरिजन किया जा रहा है जिसमें पहले है लाइब्रेरी कैटलॉग और फिर यहाँ पे इंडेक्स है। अगर यहाँ पे डार्क शो हो रहा है तो आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में हमने पढ़ा कि लाइब्रेरी कैटलॉग किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे डिफरेंट है इंडेक्स से, उसके बारे में देखते हैं। अ कैटलॉग कैन बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली और क्लासिफाइड सीक्वेंस। लाइब्रेरी कैटलॉग क्लासिफाइड हो सकता है या तो अल्फाबेटिकली या फिर अलग तरीके से, लेकिन इंडेक्स जो है वो हमेशा अरेंज होगा, इट्स ऑलवेज अरेंज अल्फाबेटिकली। सेकेंड पॉइंट, एंट्री के हिसाब से इंक्लूड सम डिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंटेन सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन इंडेक्स में इंडेक्स एंट्री ओनली स्पेसिफिक बाई द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको जो एंट्री हो सकती है वो ऑथर के नाम से हो सकती है, टाइटल के हिसाब से हो सकती है, बट जो आपके इंडेक्स में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगी।
फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देखें तो न्यू एंट्रीज कैन बी इंसर्टेड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर और एनी टाइम, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन नई आप कैटलॉग में डाल सकते हैं बट ये काम आप इंडेक्स में नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अ रिकॉर्ड डिस्क्राइबिंग द डॉक्यूमेंट एक्वायर बाई अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है लाइब्रेरी कैटलॉग से, बट वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी इंडेक्स से। बस यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है हमारी लाइब्रेरी में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोवाइड एक्सेस टू एनी बिब्लियोग्राफिक एंट्रीज ऑफ अ कैटलॉग थ्रू ऑथर टाइटल और सब्जेक्ट, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के लिए। एंट्रीज एनालिटिकल एंट्रीज मे बी अपीयर डिटरमाइंड टू द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के क्या नेचर है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लेकिन ये काम आप इंडेक्स में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग और शेल्फ लिस्ट के बारे में, ठीक है। अभी हमने इंडेक्स और लाइब्रेरी कैटलॉग का कंपैरिजन किया था, अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लाइब्रेरी कैटलॉग और शेल्फ लिस्ट का। देखिए लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में आपने लगभग सब चीज़ें समझ ली हैं, शेल्फ लिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि शेल्फ लिस्ट जो भी हमारी लाइब्रेरीज में शेल्फ होती हैं उस शेल्फ में कौन कौन सी बुक्स हैं अल्फाबेटिकली उसका अरेंजमेंट करके रखा जाता है, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर इस सेल्फ में रखा गया है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये चीज़ें आप पढ़िएगा बहुत आराम से और बहुत ईजिली आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है। कैटलॉग के बारे में आपने सब कुछ समझा होगा, सेल्फ लिस्ट के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी बहुत आपको दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैटलॉग और SSN रजिस्टर। कैटलॉग के बारे में आप समझते हैं, SSN रजिस्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। SSN रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें लाइब्रेरी में आई हुई कोई भी बुक या कोई भी डॉक्यूमेंट का आपको डिटेल लिखना पड़ता है या उसकी बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन बुक फॉर्मेट में देनी पड़ती है। बुक में जैसे आप नोट करते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, वैसे ही आपको मिलती है। कैटलॉग कार्ड के रूप में वो एंट्रीज लिखता है बट वही चीज़ें आपको SSN रजिस्टर में एज अ रजिस्टर की तरह मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं लगभग, लेकिन कैटलॉग में यही सारा काम कार्ड के फॉर्म में होता है और यहाँ पे सारा काम वो बुक के फॉर्म में होता है। जो कुछ मेजर चीज़ें हैं वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स मिल जाती हैं, डिटेल्स में टाइटल क्या है, SSN नंबर क्या है, जब बुक्स आती हैं तो उसको एक नंबर दिया जाता है SSN नंबर, उसको लिखते हैं, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, कितने पेजेस हैं, कितना प्राइस है बुक का, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको SSN रजिस्टर में नोट डाउन करनी पड़ती है। SSN रजिस्टर सिर्फ स्टाफ्स के लिए होता है, SSN रजिस्टर को एक्सेस नहीं कर सकता कोई यूज़र, यूज़र को नहीं मिलता ये, लेकिन लाइब्रेरी कैटलॉग यूज़र भी एक्सेस कर सकता है और लाइब्रेरी स्टाफ भी कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी और पब्लिशर कैटलॉग, ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है बट आप अपनी बुक में देखिएगा वहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग, बिब्लियोग्राफी और पब्लिशर कैटलॉग, इन तीनों के बीच में एक कॉम्परेटिव स्टडी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट चीज़ें दी गई थी इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। कैटलॉग के बारे में आप लोगों ने सब लोग समझा था, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी आप जानते हैं, ऑथर टाइटल और इन सब चीज़ों के बारे में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना आप यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में देख सकते हैं। पढ़िएगा बहुत आसान लैंग्वेज में लिखिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, दोनों में कॉम्पिटेटिव स्टडी कर सकते हैं। जो पब्लिशर कैटलॉग होते हैं ये एक्चुअल में पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं, किसी भी पब्लिशर्स को कि उसकी भी पब्लिकेशन जो एजेंसी है वहाँ पे कौन कौन सी बुक्स पब्लिश होती हैं, क्या प्राइस है, कैसी बुक्स मिल रही हैं, कितने की मिलती हैं, सीरीज़ में कौन कौन सी बुक्स हैं, लाइब्रेरीज को किस प्राइस पे वो बुक्स मिल सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको पब्लिशर कैटलॉग है। देखिए पब्लिशर यानी जो पब्लिश करने वाला है, जो बुक पब्लिश करता है वो अपना कैटलॉग बनाता है कि मेरे पब्लिकेशन हाउस में कौन कौन सी बुक्स पब्लिश होती हैं, कितनी बुक्स पब्लिश हो रही हैं, हमारी जो बुक्स का रेट है वो क्या है, कितनी सीरीज चल रही हैं, और स्कूल्स के लिए कौन सी बुक्स हैं, कॉलेजेस के लिए कौन सी बुक्स हैं, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो पब्लिशर कैटलॉग से मिलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ पब्लिशर कैटलॉग के बारे में दिया गया था, सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिशर कैटलॉग, बुक्स इन प्रिंट, ठीक है, कौन कौन सी बुक प्रिंटिंग फेज़ में है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये कैटलॉग से मिल सकती है। अनरिच इंस्टॉलेशन बैरी कोड डिक्शनरी, ये एक तरह का क्या कैटलॉग है, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैटलॉग ऑफ पब्लिशर लाइक मैग्रा हिल्स, और मतलब बहुत सारे जो पब्लिकेशन से आप लोग जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बुक्स पढ़ते हैं, मैग्रा हिल्स, टाटा मैग्रा हिल्स की बुक्स आती हैं, अरिहंत की बुक्स आती हैं, तो जैसे अरिहंत पब्लिशर्स होता है
वो बहुत सारे अपने सेल्स शॉप्स पे या लाइब्रेरीज में अपनी बुक्स के लिए, सर हमारे पास ये बुक अवेलेबल है, इस प्राइस पे अवेलेबल है, हम इतने में स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इतने में आपको दे देंगे, उन सब की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपको पब्लिशर कैटलॉग से मिल सकती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट कि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो क्वेश्चंस का, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने की। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।